यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने बच्चों रेशियो एनालिसिस की पार्ट टू में डिस्कस किए थे 1 to 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज बच्चों और हम 11 to 20 नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों डिस्कस करने वाले। टोटल मैंने आपको बोला था हम 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले और पूरे कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। नेक्स्ट बच्चों हमारा पहला एमसीक्यू ये पार्ट में चेक कीजिए, हाउ टू फाइंड प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे बच्चों हमें फाइंड करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका कंसेप्ट नहीं पता है, तो बच्चों मैं पहले आप इसका फंडा समझा देता हूँ। फंडा समझने के बाद आप ये इजी तरीके क्या कर पाएंगे बच्चों, सॉल्व कर पाएंगे। चेक कीजिए, प्रोप्राइटरी रेशियो है उसका बच्चों फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाई टोटल असेट्स इंटू 100। प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाई टोटल असेट्स इंटू 100। अब प्रोप्राइटर फंड में आता क्या है, सबसे पहले चेक कीजिए बच्चों, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बिजनेस के जितने भी रिजर्व है, सरप्लस है वो, या फिर प्रॉफिट। अगर पीएनएल क्रेडिट है तो प्रॉफिट होती है, और पीएनएल डेबिट है तो नुकसान होता है। तो अगर पीएनएल क्रेडिट दिया है तो आपको ऐड करना है, और पीएनएल डेबिट दिया है तो लॉस है, तो वो चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो प्लस माइनस करके ये सब चीज़ तो जो आएगा बच्चों इसको हम बोलेंगे प्रोप्राइटर फंड। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाई टोटल असेट्स इंटू 100। अब टोटल असेट्स पे क्या होता है, बिजनेस की करंट असेट्स होती है, फिक्स असेट्स होती है, इसको नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, टोटल असेट्स। अब चेक कीजिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बच्चों हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। फिक्स असेट्स इज 5 लाख, करंट असेट इज 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट। कहीं पे प्रोप्राइटरी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट हमें काम नहीं आती है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने दिया है बच्चों, तो वो चीज आपको इग्नोर करनी है, उसको ध्यान में रखना नहीं है बच्चों। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो लॉन्ग टर्म डेट है वो काम का नहीं है, इसको इग्नोर करो, इसको ध्यान में लो नहीं। अब चेक कीजिए, सबसे पहले आपके पास फिक्स असेट अवेलेबल है 5 लाख एंड करंट असेट अवेलेबल है 3 लाख। तो ऐसा बच्चे बोल सकते हैं कि फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स तो मुझे मिल जाएगा टोटल असेट्स 5 + 3 इज इक्वल टू 8 लाख। तो बच्चों मेरा हो गया टोटल असेट्स 8 लाख। अब नेक्स्ट आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चेक कीजिए। सबसे पहले आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल है एंड क्वेश्चन में रिजर्व अवेलेबल है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 4 लाख एंड रिजर्व इज गिवन 2 लाख। तो ऐसा बोल सकते हैं बच्चों इक्विटी कैपिटल 4 लाख एंड रिजर्व इज गिवन 2 लाख। तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 आपका हो गया प्रोप्राइटरी फंड। क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी फंड मिल गया, टोटल असेट मिल गया, प्रोप्राइटरी फंड यहां पे लिख दो 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, तो बच्चों इसके आंसर आएगी 75%। कितना आएगा, 75%। अब ऑप्शन चेक कीजिए, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ही बच्चों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 75%। तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आपका आंसर होगा 75। जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रोप्राइटरी फंड में क्या आता है और टोटल असेट में क्या आता है। इस सबका टोटल फॉर्मूला में बच्चों आपको क्या करना है, पुट अप करना है। ये हो हमारा बच्चों 11th नंबर का एमसीक्यू। नेक्स्ट जाते हैं, चेक कीजिए इन डेप इक्विटी रेशियो, डेप रिफर। अब डेप इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बता दूं, डेप इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी फंड। डेप इक्विटी रेशियो में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप को ही ध्यान में रखते हैं, शॉर्ट टर्म डेप को ध्यान में रखते हैं नहीं है, या फिर टोटल डेप को ध्यान में नहीं रखते। अब आपको क्या पूछा है, इन डेप इक्विटी रेशियो डेप रिफर्स, इन डेप का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म डेप को ध्यान में नहीं रहते, लॉन्ग टर्म डेप यस, हम कौन से डिबेट को ध्यान में रखते हैं, डेप इक्विटी रेशियो में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप को ही ध्यान में रखते हैं बच्चों। तो आपका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म डेट, कौन सा सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म डेट। तो यहां पे सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको रेशियो दिया है, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लॉजिकली है। डेट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज 1:2, उसका मतलब डेट इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई इक्विटी। अब चेक कीजिए, ये 1:2 हुआ। Which of the following transaction will increase it? इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो इसको इंक्रीज करेगा,
डेट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज करेगा। इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, ये मैं समझा दूं बच्चों, अगर आप नए शेयर मार्केट में इशू करो यानी कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो मार्केट में अगर नए शेयर इशू करेंगे तो आपके पास इक्विटी कैपिटल फंड इंक्रीज होने वाला है। आपके पास क्या होने बच्चों, इक्विटी कैपिटल फंड इंक्रीज होने वाला है। तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप अगर मार्केट में नए शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक आपको पैसा देंगी और सामने आप पब्लिक को क्या देने वाले हो, शेयर्स। तो वो ऐसी चीज है जो आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने अपना पैसा किसी को वापस दे दिया तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, डिबेंचर इश्यू के वो भी एक ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और गुड परचेस ऑन क्रेडिट, ये भी चीज नहीं है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना डेट इक्विटी रेशियो बढ़ा सकते हो। डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाने के लिए इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, अगर आपने मार्केट में नए शेयर इशू किए और सामने आपके पास कैश आएगा तो लॉजिकली आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या होने वाला है बच्चों, इंक्रीज होने वाला है। तो ये एक ट्रांजेक्शन है ए, जो आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। अगर आप मार्केट में नए शेयर इश्यू करेंगे कैश से तो बच्चों आपको क्या होने वाला है, आपका नया डेट इक्विटी रेशियो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो बच्चों आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है नंबर ए, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट चेक कीजिए हमारा 15, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज 24 लाख। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इज 6 times। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितना टाइम्स दिया है, 6 times। ओपनिंग डेटर 3,20,000, ओपनिंग डेटर इज गिवन 3,20,000। एंड हमें फाइंड करना है क्लोजिंग डेटर्स। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है बच्चों तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों पहले इसका एक फॉर्मूला लिख दे, जितने भी फॉर्मूले अवेलेबल है वो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपन एवरेज डेटर्स या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास एवरेज डेटर फाइंड करने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब वन बाय वन चेक कीजिए, ओपनिंग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपके पास क्रेडिट सेल्स अवेलेबल है 24 लाख। कितना अवेलेबल है, 24 लाख। तो क्रेडिट सेल्स इज अवेलेबल 24 लाख। नेक्स्ट आप चेक कीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स, इसका आंसर आपको दे दिया है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर टाइम का आंसर दे दिया 6 times। कितना दे दिया, 6 times। और ये हमें मिल जाएगा एवरेज डेटर्स। नेक्स्ट के जो चेक कीजिए, आपको दे दिया ओपनिंग डेटर 3,20,000, जो चीज पहले अवेलेबल है ओपनिंग डेटर 3,20,000, तो ओपनिंग डेटर हमें दे दिया है 3,20,000। यहाँ क्लियर, यहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड क्लोजिंग डेटर्स, क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग डेटर्स फाइंड करना है। अब बच्चों इतना पहले लिख दो, आपका फंडा वहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो एवरेज डेटर लॉजिकली आपको ये चीज तो पता है, 24 लाख डिवाइड बाई 6, तो बच्चों 6 × 4 जा, तो आपका आंसर आएगा 4 लाख। कितना आएगा, 4 लाख आपका आंसर। आपका एवरेज डेटर कितना मिला आपको, 4 लाख, 24 डिवाइड बाई 6 टाइम्स करने के बाद। अब बच्चों मैं बोलूंगा एवरेज डेटर 4 लाख मिल गया, एवरेज डेटर कितना मिल गया, 4 लाख, 4 लाख × 2, 4 लाख × 2, तो आपको एवरेज मिल गया 8 लाख इज इक्वल टू 3,20,000 प्लस क्लोजिंग डेटर हुआ। ये ओपनिंग को इस तरफ ले लू बच्चों, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 3,20,000, तो क्लोजिंग का बच्चों आंसर आएगा 8 लाख माइनस 3,20,000 करने के बाद, मैं बोल सकता हूँ 4,80,000। तो आपका आंसर क्लोजिंग डेटर कितना हुआ, 4,80,000। कितना हुआ, 4,80,000। पहले ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करने के बच्चों ये सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग डेटर। हमारे पास ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल होना चाहिए 4,80,000। चेक कीजिए अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल बच्चों तो उसका मतलब आपका आंसर गलत है। पहला अवेलेबल नहीं है, दूसरा यस 4,80,000।
हमारे पास क्लोजिंग डेटस अवेलेबल है 4,80,000, तो हमारा बच्चों यहाँ पे आंसर रहेगा 4,80,000। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा बी। ये हुआ बच्चों आपका 15 नंबर का, जहां पे हमने ट्रेड रिसीवेबल से क्लोजिंग डेटस फाइंड की है। नेक्स्ट चेक कीजिए, फाइंड आउट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या फाइंड करना है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। पहले बच्चों इसका आपको फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूं ITR, यानी कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसको बोलते कॉक्स। कॉक्स का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दो नाम है, दो नाम से कोई भी आप लिख सकते हो। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी या फिर एवरेज स्टॉक। अब आपको पता है एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा नीचे लिखे, एवरेज इन्वेंटरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके आपको मिल जाएगा एवरेज इन्वेंटरी। अब बच्चों आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चेक कीजिए। ओपनिंग इन्वेंटरी इज गिवन 50,000। ओपनिंग इन्वेंटरी इज गिवन 50, तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी अवेलेबल है 50। प्लस आगे चेक कीजिए, क्लोजिंग इन्वेंटरी 40, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी है 40। 50 प्लस 40 90 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंटरी आया 45। यहाँ पे पहले मुझे मिल गया 45 एवरेज इन्वेंटरी। तो बच्चों पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में चेक कीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे दिया है 7,20,000। अब बच्चों 7,20,000 डिवाइड बाय 45, तो आपका आंसर आने वाला है बच्चों 16 टाइम्स। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो बच्चों टाइम ना लगे, वीडियो का लेंथ ना बढ़े, इसलिए तो बच्चों इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका आया 16 टाइम्स। क्लियर? बहुत इजी है। अब ऑप्शन में देखना है 16 टाइम्स अवेलेबल है या नहीं। आप चेक करेंगे तो बच्चों एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर का आंसर हमारा आया 16 टाइम्स, तो उसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करना है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहा हूँ, पहले आप ऑप्शन मत देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप आंसर देखेंगे तो बच्चों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहले आंसर देखेंगे तो कई सारे बच्चे वो आंसर लाने का ट्राई करेंगे और वहां से हो सकता है कि 16 की जगह आप 18 लाने का ट्राई करो और आपका आंसर बच्चों गलत हो जाए। तो पहले क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप क्या कीजिए उसके आंसर देखे, तो बच्चों आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस कोई और होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पे हुआ हमारा 16 नंबर का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट नंबर 17 बच्चों, बहुत ईजी है, ध्यान से देखे। इफ द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज डिवाइड इनटू 365, हमारा जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है उसको हम डिवाइड करें 365 से, देन इट्स बिकम द मेजर्स ऑफ, तो हमें वो क्या यूज होती है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आपको पता है बच्चों इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, अभी मैंने यहाँ पे समझाया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉक्स अपन एवरेज इन्वेंटरी। अब चेक कीजिए, नंबर वन ऑप्शन है आपके पास सेल एफिशिएंसी, एक सेल एफिशिएंसी ऑप्शन है। नंबर टू है एवरेज इन्वेंटरी ऑफ एज, एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी। नंबर थ्री है बच्चों सेल्स टर्नओवर, नंबर थ्री है कौन सा, सेल्स टर्नओवर। और लॉजिकली नेक्स्ट नंबर है एवरेज कलेक्शन पीरियड, हमें वहां से पता चलेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको बच्चों एक चीज बता दूं, डेटर वो एवरेज कलेक्शन पीरियड में हमें हेल्प होता है। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या सेल्स टर्नओवर, वो वहां पे हेल्प होता है। यहाँ पे बच्चों आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना है एवरेज एफ ऑफ इन्वेंटरी। कौन सा सिलेक्ट करना है? एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी। वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपका आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है उसको आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो एवरेज इन्वेंटरी है उसका एज क्या आएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करनी है एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी। इज दैट क्लियर? तो आपका ऑप्शन रहेगा इसमें बी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी। नेक्स्ट बच्चों हम मूव करते हैं नंबर 18 चेक कीजिए, टोटल परचेस 4,50,000, टोटल परचेस आपको दे दिए 4,50,000, कैश परचेस आपको दे दिया 1,50,000, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर गिवन 10,000। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
हमारा रूल्स क्या है बच्चों, जो रेशियो फाइंड करने को बोला है पहले उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, तो आधा काम बच्चों आपका वहां पे हो जाएगा। तो पहले ट्रेड पेबल रेशियो का फॉर्मूला, ट्रेड पेबल रेशियो टीपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, टीपीआर, क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज बिल्स पेबल या फिर ट्रेड पेबल या फिर क्रेडिटर, कोई भी चीज वर्ड दिया होगा। इज दैट क्लियर? अब बच्चों क्रेडिट परचेस, अब क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्वेश्चन में चेक करेंगे तो टोटल परचेस आपको दिए 4,50,000, टोटल परचेस कितने दिए 4,50,000, कैश परचेस दिए 1,50,000, टोटल 4,50,000 है और कैश है 1,50,000। मैं ऐसे बोलूंगा बच्चों टोटल में से कैश परचेस माइनस करूंगा तो मुझे क्रेडिट परचेस मिल जाएगा, तो 4,50,000 में से 1,50,000 माइनस किया तो आपका आंसर आया 3,00,000, वो आपका हुआ क्रेडिट परचेस। कैसे आया? 4,50,000 टोटल परचेस, उसमें से कैश परचेस 1,50,000 माइनस किया तो आपका आया क्रेडिट परचेस 3,00,000। अब मुझे चाहिए एवरेज, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर 50,000 दिया और बिल्स पेबल दिया 10, पर बच्चों यहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया है, तो बच्चों ऐसे टाइम पे जो जहां पे जो क्वेश्चन में ओपनिंग मेंशन नहीं है, जहां पे क्लोजिंग मेंशन नहीं है, तो वहां पे आप कोई चीज एवरेज नहीं ले सकते हो। तो उसका मतलब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसा कुछ लेना नहीं है, आपको यहां पे क्रेडिटर 50 और बिल्स पेबल 10 ही लेना है, एवरेज नहीं निकालना है। एवरेज किस चीज के निकलती है? जहां पे ओपनिंग और क्रेडिटर और क्लोजिंग दिया हो, तो यहां पे ना तो ओपनिंग अवेलेबल है ना तो क्लोजिंग अवेलेबल है, तो जो दिया है वही आपको कंसीडर करना पड़ेगा 60। क्या करना पड़ेगा? जो दिया है उसको ही कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसका मतलब हुआ 60। अब बच्चों चेक कीजिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कब करूंगा? जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग वर्ड भी नहीं है और ओपनिंग वर्ड भी नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो लॉजिकली मैंने उन दोनों का टोटल कर दिया। अब 6 × 5 यानी कि इसका आंसर आएगा 5 times। क्या आएगा? 5 times। चेक कीजिए ऑप्शन में अवेलेबल है 5 times। यस बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है 5 times, तो आपका ट्रेड पेबल रेशियो का आंसर हुआ 5 times। इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन कर लेना कि जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है तो वहां पे एवरेज नहीं लेना है, वो टोटली हमें कंसीडर करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा 19 नंबर है, चेक कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी विल बी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, देखियो पहले हम पे इसका फॉर्मूला लिख दे, फॉर्मूला लिखने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों चेक कीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आपके पास लिक्विड एसेट अवेलेबल है 3,70,000, नेक्स्ट इन्वेंटरी अवेलेबल है 80, नेक्स्ट आपके पास करंट लाइब्रेरी अवेलेबल 1,50,000। मेरे पास करंट लाइब्रेरी अवेलेबल है तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा करंट लाइब्रेरी मेरे पास 1,50,000 अवेलेबल है, जो चीज अवेलेबल उसको पहले लिख दो बच्चों। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर आपको कई बार यहाँ पे सेल्स भी देख सकते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल रेशियो दो तरीके से फाइंड होते हैं, या तो सेल्स दिया होता है या फिर कॉक्स, दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दिया होगा। आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको कॉक्स से वो सम सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे आपको सेल्स लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आपको बच्चों क्या लेना पड़ेगा? कॉक्स। तो कॉक्स अपन वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में सेल्स अवेलेबल है तो सेल्स से क्या करना पड़ेगा? आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चों मेरे पास कॉक्स अवेलेबल है, यस कॉक्स कितना अवेलेबल है मेरे पास, आप चेक कीजिए 7,50,000, तो कॉक्स इज अवेलेबल 7,50,000। अब मेरे पास करंट असेट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है अवेलेबल? करंट असेट्स। लेकिन एक आपके पास बच्चों क्लू है, चेक कीजिए, लिक्विड असेट्स 3,70,000 एंड इन्वेंटरी 80। अब आपको यहां से पता होना चाहिए कि हमें इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक कैसे फाइंड करते थे, करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स, करंट असेट्स में से लिक्विड असेट माइनस करें तो हमें बच्चों क्या मिल जाता, वहां पे हमें स्टॉक मिलती थी।
आपके पास क्वेश्चन में यहां पे स्टॉक, स्टॉक का मतलब हुआ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी अवेलेबल है 80,000 और लिक्विड एसेट अवेलेबल है 3,70,000। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड एसेट 3,70,000 अवेलेबल है और स्टॉक अवेलेबल है 80,000। तो लॉजिकली करंट एसेट मिल जाएगा, माइनस में इस बार ले लेंगे तो लॉजिकली 80 + 3,70,000 तो हमारा 4,50,000 हुआ करंट असेट्स। कितना हुआ? 4,50,000। बच्चों 4,50,000 मुझे करंट असेट मिल गए, 4,50,000 में से 1,50,000 माइनस करूंगा तो बच्चों वर्किंग कैपिटल मिल गया 3,00,000। कितना मिल गया? 3,00,000 वर्किंग कैपिटल मिल गया। वर्किंग कैपिटल यहां पे लिख देंगे 3,00,000। चेक कीजिए 7,50,000 बच्चों डिवाइड बाई 3,00,000 करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है बच्चों 2.5 times। चेक कीजिए 2.5 times अवेलेबल है आपके पास। यस बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबल है 2.5 times। तो इस तरह बच्चों हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड किया। पहले ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लू था, स्टॉक अवेलेबल था और लिक्विड एसेट अवेलेबल था, तो वहां से मुझे क्या मिला? करंट एसेट्स। और फिर वर्किंग कैपिटल वहां से मिलने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट अप किया तो बच्चों हमारे आंसर आई 2.5 times। ये पार्ट का बच्चों लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 20, बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है बच्चों। अभी मैंने जो समझा वही है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या से कॉक से फाइन होता है या तो सेल से। अभी मैंने 5 मिनट पहले बोला वर्किंग कैपिटल या तो कॉक से फाइन होगा या तो किससे फाइन होगा? सेल से। आप यहां पे क्वेश्चन में चेक कीजिए बच्चों, तो आपके पास करंट असेट अवेलेबल है 3,60,000, करंट असेट अवेलेबल है 3,60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, अगर कॉस्ट वर्ड है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कॉक्स बोलते हैं, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 12,00,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों यहां पे मैं फॉर्मूला वापस से लिख दूं आपके लिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल अपन वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों चेक कीजिए आपके पास सेल्स अवेलेबल है। यस, सेल्स कितना अवेलेबल है? 12,00,000। तो यहां पे मैंने लिख दिया सेल्स 12,00,000। और बच्चों वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बच्चों यहां पे एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, आपको मैं बता दूं, यहां पे करंट असेट 3,00,000 करना है अपने को। कितना करना है? 3,00,000। करंट असेट्स आपके पास अवेलेबल है 3,00,000, तो आप चेक कीजिए आपके पास करंट असेट अवेलेबल है 3,00,000। क्वेश्चन में चेक कीजिए करंट लायबिलिटी अवेलेबल है कहीं पे, कहीं पे करंट लाइब्रेरी बच्चों अवेलेबल है नहीं, तो लॉजिकली करंट लाइब्रेरी हम जीरो ले ले, नहीं है तो लॉजिकली वर्किंग कैपिटल कितना है बच्चों? 3,00,000 आया। 12,00,000 डिवाइड बाय 3,00,000 तो आंसर आपका आएगा 4 times 3 into 4 जा, तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का बच्चों आंसर आएगा 4 times। चेक कीजिए आपका आंसर 4 times है। यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपको सिलेक्ट करना है 4 times। तो बच्चों आपका ये हुआ 11 to 20। नेक्स्ट पार्ट में और 10 बच्चों एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हो सके तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख पाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बच्चों हेल्प कर पाए। इज दैट क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच।